Hello students, welcome to getlectures.com. I am Puspanjay Kashyap. Today in this lecture I am going to discuss about Newton's law of viscosity and the variation of viscosity with respect to temperatures in fluids. And the last topic of this lecture we will discuss the unit of viscosity, unit of dynamic viscosity as well as unit of kinematic viscosity. Okay, let's start the lecture. Okay. फर्स्ट वन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, बिकॉज कि अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं कि फ्लूड के टाइप्स की स्टडी जब हम करेंगे तो वो जो दो टाइप की होती हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें हम लोग देखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, तो उसके लिए हमें सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जानना बहुत जरूरी है. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के थ्रू आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक चीज देखा था कि डी थीटा अपन डी टी द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी ओवर डी वाई. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि रियल में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है, बिकॉज कि कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट. उसमें ऑप्शंस में आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन ये भी मिलता है कि द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो लास्ट लेक्चर में हमने इस बात के ऊपर डिस्कस किया था कि ये तो डिफाइन हम करते हैं कि डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई, बट जनरली ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होती है. कैसे? तो कोई भी फ्लूड का अगर फ्लो आप चेक करते हो तो फ्लो क्या होता है? फ्लो अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती है. जो हमने फ्लूड एलिमेंट लिया था फर्स्ट लेक्चर में जब हमने फ्लूड को डिफाइन किया था, तो एक फ्लूड एलिमेंट लिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लूड एलिमेंट ऑन द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस हाउ एवर स्मॉल द शियर फोर्स मे बी. ओके, शियर फोर्स किसी प्लेट पे लग रहा है, एरिया कांस्टेंट है, तो शियर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कितना भी स्मॉल शियर फोर्स क्यों ना हम अप्लाई करें, जो डिफॉर्मेशन होती है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन जो होती है फ्लूड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड फ्लो. ओके, तो वो फ्लो किस कारण से हो रही है? एंगुलर डिफॉर्मेशन के कारण, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के कारण हो रही है, और उसे हम प्रूफ करते हैं कि रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. लेकिन बेसिक अगर डेफिनेशन आप देखो तो एंगुलर डिफॉर्मेशन ही होता है. अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन पूछता है और उसमें अगर दोनों ऑप्शन आपके प्रेजेंट होते हैं तो आप किसके साथ जाते हो? एंगुलर डिफॉर्मेशन के साथ, बिकॉज की एंगुलर डिफॉर्मेशन रियल में जो फ्लो अगर होती है वो ड्यू टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होती है, ना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण. ओके, तो डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई, ये तो हमने स्टडी किया था. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपन डी टी और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई. दिस इज द सेकेंडरी एग्जाम्पल. ओके, सेकेंडरी स्टेटमेंट आप कह सकते हैं. तो यहां से अगर इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई. अगर आप देखो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट. आप लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूड क्या होती है जिसमें म्यू कांस्टेंट होता है. अब अगर इसको ग्राफिकल मैनर में अगर हमें
चेक करना हुआ, रिप्रेजेंट करना हुआ, तो किस तरह से करेंगे? आप अगर यहां पर देख रहे हो तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टाउ डी थीटा डी यू ओवर डी वाई और टाउ ओवर डी थीटा ओवर डी टी। ओके, तो अगर मैं टाउ और डी यू ओवर डी वाई और डी थीटा ओवर डी टी के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करेगी, जो फ्लूड फॉलो करेगी, इट मीन्स कि म्यू विल कांस्टेंट। तो म्यू इज द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन सियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ सियर स्ट्रेन। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। यहां पर अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज टाउ, टाउ वर्सेस डी थीटा अपन डी टी और डी यू ओवर डी वाई के बीच में अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ ग्राफ, दिस रेड कलर लाइन हमने ड्रॉ किया। अगर इस रेड कलर लाइन का स्लोप अगर आप चेक करो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप चेक कर रहे हो, दिस स्लोप, द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ म्यू, द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो म्यू विल बी कॉन्स्टेंट, इसमें क्या हो रहा है, म्यू कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये जो भी फ्लूड है, जिस फ्लूड का मैं सियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर मैं डायग्राम जो ग्राफ है देख रहा हूं, तो उसमें हमारा स्लोप क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूड। एंड आप क्लियर कह सकते हो द फ्लूड विच ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड द न्यूटोनियन फ्लूड। आप सिंपल हम कह सकते हैं The fluids which obey the Newton's law of viscosity or the fluids obey tau is equal to mu du over dy is called Newtonian fluids। ओके, न्यूटोनियन फ्लूड्स का आपने देखा कि ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे कर रही है, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो न्यूटोनियन फ्लूड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एयर वाटर पेट्रोल डीजल किरोसिन ऑयल्स मरकरी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूड। ओके, तो क्लियर, यहां से एक बात क्लियर होती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, द सियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और सियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ I am going to discuss the next topic and very important topic, the variation of viscosity with respect to temperature in fluids. Okay, सबसे पहले variation of viscosity with temperature. सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, viscosity is the property of fluid. तो viscosity fluid contain क्या करता है, fluid में आप गैसेज को भी ले सकते हो और आप लिक्विड को भी कंसिडर कर सकते हो। तो लिक्विड्स में अगर आप सबसे बड़े बात एक बात का डिस्कस करना चाहता हूं, सिंपल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम नेचर मॉलिक्यूल। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट नेचर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो लिक्विड और गैसेज में अगर आप देखना चाहें तो कोहेसिव फोर्सेज किस में ज्यादा होती हैं, लिक्विड में। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एज कंपेयर टू गैसेस, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत नियर होते हैं, तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। इट मीन्स कि
कोहेसिव फोर्सेज क्या होती जाती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, इसके कारण क्या होती है, विस्कोसिटी डिक्रीज होने लगती है. लेकिन अगर आप डिफरेंट कंडीशन गैसेज की अगर बात करते हो, तो गैसेज में कोहेसिव फोर्सेज क्या होती है, नेग्लिजिबल होती हैं. इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं. रैंडम मोशन में होने के कारण क्या होता है कि वो दूर दूर होते हैं. सिंपल सी बात याद रखते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, काफ़ी दूर होते हैं. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस टेक्स प्लेस इन गैसेस. ओके, तो मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस जैसे ही होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में आ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, और ड्यूरिंग मूवमेंट वो एक दूसरे के बहुत नियर आ जाते हैं. मूव करेंगे जब, ऐसे इनिशियली वो बहुत दूर दूर हैं, जैसे ही उन्हें एनर्जी मिली वो क्या करेंगे, मूवमेंट उनमें स्टार्ट होगी, और ड्यूरिंग मूवमेंट वो एक दूसरे के करीब आएंगे. तो करीब आने से क्या होता है, मोलिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज होती है, और जैसे ही मोलिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज होगी आपकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. वही चीजें हैं यहां पर. अगर आप देखें, इन केस ऑफ लिक्विड्स द इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल एंड हेंस कोहेसिव फोर्सेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम नेचर मोलिक्यूल्स आर लार्ज. In case of liquid, with increase in temperature, the cohesive forces decreases and hence the resistance to the flow also decreases. Therefore, in case of liquids, with increase in temperature, viscosity of liquid decreases. It means this is clear कि जैसे ही temperature हम increase करेंगे, liquid की velocity हमारी क्या होगी, decrease होगी. But just opposite in gases. In case of gases, intermolecular distance is very, very large. And hence cohesive forces are negligible. With increase in temperature, molecular disturbance increases and resistance to flow also increases. Therefore, with increase in temperature, viscosity of gases increases. तो सिंपल सी बात है, जैसे ही इन केस ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड if we increase the temperature, the viscosity will decrease. In case of gases, if we increase the temperature, the viscosity will increase. It means for gases, the viscosity is directly proportional to the temperature. Okay, and in liquid, viscosity is inversely proportional to the temperature. Okay, इसका ग्राफ देखते हैं. ग्राफ किस तरह से होगा, अगर मैं म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, म्यू वर्सेस अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, ग्राफ की म्यू वर्सेस टेम्परेचर, इट मींस द विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में. अगर आप गैसेस के ग्राफ की बात करते हो, तो गैसेस का इनिशियल विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है. तो और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज. तो इन केस ऑफ गैसेस द ग्राफ इज लाइक दिस, एंड इनिशियली इन लिक्विड द विस्कोसिटी इज लार्ज एज कंपेयर टू गैसेस, एंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द विस्कोसिटी विल डिक्रीज. This is for liquid and this is for gases. This graph is important because in this graph shows the variation of viscosity with respect to temperature in liquid and gases. Is it okay? Okay. Now, next topic is the unit of viscosity. Unit of viscosity mu. अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा, सिंपल यहां से निकाल के देखते हैं कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है. सिंपल, म्यू इज इक्वल टू टाउ ओवर डीयू ओवर डीवाई. टाउ का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड
dy इज 1 बाई मीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर सेकेंड पर मीटर क्यूब, एक से एक कैंसिल, दिस इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला, अब यहां पर देखो न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर क्या है, सेकेंड मीटर स्क्वायर, सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, मीटर से एक मीटर कैंसिल, देन दिस इज केजी सेकेंड मीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, मास मास टू द पावर वन, एल टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी, दिस इज इन एमकेएस सिस्टम। ओके, जब ये एमकेएस सिस्टम में है, अब इसका तो ये हो गया एमकेएस सिस्टम में, केजी सेकेंड पर मीटर, दिस इज इन एमकेएस सिस्टम, जो आप लोगों ने 11th क्लास में डायमेंशनल पढ़ा होगा। देन सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अगर यहां से एक चीज और देखते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इस टर्म को और मैं कैसे लिख सकता हूं, कहीं कहीं उस टर्म में भी गिवन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल एंड पास्कल सेकेंड, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इन एमकेएस सिस्टम। ओके, पास्कल सेकेंड, दिस इज ऑल्सो, दिस इज अ यूनिट, दिस इज ऑल्सो यूनिट, एंड दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर आप देखो तो इधर क्या आया था, केजी मीटर सेकेंड, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, दिस इज इन एमकेएस, एमकेएस सिस्टम। अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो केजी क्या हो जाएगा, ग्राम, मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड। अगर आपको दिस, अब एक चीज सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बुक्स में डायनेमिक विस्कोसिटी को एक नए टर्म में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉइज, एक डिफरेंट टर्म, पॉइज में विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन होती है और उसका यूनिट पॉइज गिवन होता है। तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इज कॉल्ड वन पॉइज, मतलब कि पॉइज इसको कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज कॉल्ड पॉइज। ओके, तो अगर वो पॉइज में गिवन है तो उसे स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आने में, एमकेएस सिस्टम में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखते हैं वन केजी मीटर सेकेंड को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1000 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर सेकेंड, 100 10 कैंसिल, इट मींस 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। अगर आप यहां पर देखो तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आया कि 1 kg पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, बिकॉज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज कॉल्ड पॉइज। ओके, दिस इज पॉइज, तो केजी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। अगर आपको कन्वर्ट करना है, 1 पॉइज इज इक्वल टू कितना होगा, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 by 10 केजी पर मीटर सेकेंड और 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड। क्लियर सी बात है, आपको अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पॉइज में गिवन है तो उसे स्टैंडर्ड यूनिट में एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। सिंपल सी बात है, यहां पर एक लाइन, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी म्यू इन सीजीएस सिस्टम इज कॉल्ड पॉइज। ओके, दिस इज करेक्ट।
नेक्स्ट वन डेफिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर काइनेमेटिक विस्कोसिटी. द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट. जब हम लोग कन्वेक्शन में फोर्स्ड कन्वेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है. इसके बारे में देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोटेड बाई न्यू, अ ग्रीक टर्म न्यू. What is the definition of kinematic viscosity? Simple सी बात है कि kinematic viscosity कोई property नहीं है, fluid की कोई property नहीं है. ये fluid mechanics में एक term mu upon rho बार बार appear हो रहा था, ठीक है. बार बार appear होने के कारण इस term को हमने kinematic viscosity का name दे दिया. जैसे in fluid mechanics, by in words, in fluid mechanics, the term mu upon rho, this term mu upon rho appears frequently and for convenience this term is known as kinematic viscosity. Kinematic viscosity. This term is known as kinematic viscosity. Yani ki nu is equal to mu upon rho. Agar aap yahan par ek cheez dekho, तो इसकी यूनिट क्या आ रही है. सबसे पहले इसकी यूनिट के बारे में जिक्र करते हैं. ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू अपन रो. म्यू क्या है आपका, केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकेंड. And rho is kg per meter cube. This is equal to kg meter cube upon meter second kg. Kg से kg cancel, एक meter से एक meter cancel. This is equal to meter square per second. This is the unit of kinematic viscosity in MKS system. अगर आप dimensional formula की बात करते हो, dimensional formula is क्या हो जाएगा, m0 l2 t minus 1 और l minus l2 t minus 1. This is the dimensional formula. अब same जैसे हमने dynamic viscosity में CGS system में देखा, poise होता है, dynamic viscosity kg per centimeter second. आपको क्या कहते हैं, हम उसे पॉइज कहते हैं. तो पॉइज को कन्वर्ट करते हैं हम डायरेक्ट एमकेएस सिस्टम में, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. तो 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं. उसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी सीजीएस सिस्टम में यूनिट देखते हैं. यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम में इसका देखते हैं. जैसे आपने देखा इधर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, CGS में ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, दिस इज इन MKS सिस्टम. CGS में क्या हो जाएगा, CGS में मीटर स्क्वायर इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इज एज इट इज. ओके, दिस टर्म सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इज कॉल्ड स्टोक. तो अब रिलेशन देखते हैं MKS और CGS सिस्टम में कि वन स्टोक इज इक्वल टू हाउ मच इन स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, तो वन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेस्ट टू द पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू द पावर 4 स्टोक.
स्ट्रोक, दिस इज 1 m² per second इज इक्वल टू 10^4 स्ट्रोक, देन वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 1/10^4 m² per second, और 1 stroke इज इक्वल टू 10^-4 m² per second. इट मीन्स आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में विस्कोसिटी को वो काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी के नाम से वो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड इज समथिंग इन स्ट्रोक, देन आपको कंसिडर कर लेना है अगर आपकी यूनिट स्ट्रोक में गिवन है, डेट इज वॉट, डेट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अगर पॉइज में गिवन है तो डेट इज कौन सी विस्कोसिटी होगी आपकी, डायनेमिक विस्कोसिटी. ओके, तो वन स्ट्रोक को कन्वर्ट करने के लिए एमकेएस सिस्टम में कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में आएंगे, एमकेएस सिस्टम में सॉल्व करेंगे. तो वन स्ट्रोक को कन्वर्ट करने के लिए एमकेएस में आपको क्या करना होता है, 10^-4 से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, प्रीव्यू देखते हैं लेक्चर्स का. हमने सबसे पहले देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या था, द सियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और सियर रेट. फिर हमने क्या देखा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फिर उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया सियर, द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर. देन हमने ये देखा कि जो फ्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करती है, फॉलो करती है, वो फ्लूड न्यूटोनियन फ्लूड होती है. और न्यूटोनियन फ्लूड का सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है, म्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है. फॉर न्यूटोनियन फ्लूड डायनेमिक विस्कोसिटी, द वैल्यू ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. फिर उसे हमने टाउ वर्सेस डी यू ओवर डी डी वाई, यहां पर देखते हैं डी यू ओवर डी वाई के कर्व पे देखा, तो यहां से हमने देखा कि म्यू विल ऑलवेज कांस्टेंट, दैट टाइप ऑफ कर्व इज फॉर न्यूटोनियन फ्लूड. फिर हमने देखा वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फ्लूड्स में वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर कैसे होता है. तो लिक्विड के केस में हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है. बट गैसेज में जस्ट अपोजिट होता है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी विल इंक्रीज. ओके, फिर उसके कर्व को देखा कि किस तरह से म्यू और टेम्परेचर के बीच में, डायनेमिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में गैसेज और लिक्विड के कर्व ड्रॉ हम कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने देखा विस्कोसिटी की यूनिट देखी, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट देखी, जो आपने तीन तरह की यूनिट देखी, एक तो देखा पास्कल सेकंड, एक देखा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एंड थर्ड वन देखा केजी पर सेकंड मीटर. फिर इसका कन्वर्जन हमने देखा सीजीएस सिस्टम में, जो कि 1 g/cm² इज इक्वल टू पॉइज, 1 पॉइज, उसे 1 पॉइज कहते हैं. फिर हमने पॉइज को सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड देखा कि 1 पॉइज इज इक्वल टू हाउ मच इन स्टैंडर्ड यूनिट. तो 1 पॉइज को अगर स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1/10 से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, या 0.1 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो ये देखा हमने डायनेमिक विस्कोसिटी को सीजीएस सिस्टम में, उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं. फिर हमने टर्म देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड. ये कहां से आया, म्यू अपन रो एक टर्म था जो कि फ्रिक्वेंटली अपियर हो रहा था, तो अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, हमने क्या किया, उसे एक टर्म का नाम दे दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी. इसके पीछे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है. अगर आप काइनेमेटिक्स में क्या चीजें पढ़ते हो, स्पेस टाइम रिलेशनशिप की बात करते हो, मास की कहीं बात नहीं करते हो, इनर्सिया की कहीं बात नहीं करते हो, तो इसके यूनिट में, और डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक के कंडीशन में आप इनर्सिया की बात करते हो, तो डायनेमिक के कंडीशन में आपने देखा डायनेमिक विस्कोसिटी में केजी आ रहा था मास, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी केवल मीटर सेकेंड के टर्म में आ रही थी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के टर्म में आ रही थी. फिर यहां से हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट देखा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड को हम कहते हैं स्ट्रोक कहते हैं. ठीक है, फिर स्ट्रोक से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड देखा कि 1 stroke इज इक्वल टू हाउ मच इन एमकेएस सिस्टम, दिस इज इक्वल टू 10^4 m² सेकंड. यानी कि सिंपल सी बात है कि स्ट्रोक को अगर एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो 10^-4 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, देन आफ्टर आपकी विस्कोसिटी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, थैंक यू.